द लिरिक, ठीक है। तो लिरिक के बारे में पहले थोड़ा सुनेंगे भी और फिर मैं नोट करवाता रहूंगा आपको। देखो, जब हम बात करते हैं कि ग्रीस की बात करते हैं, एंशिएंट ग्रीस, सबसे ज्यादा तुम्हें पता है लिटरेचर रोम ग्रीस इन्हीं के देन है। तो उस समय जो वहां गीत होते थे, गाने, वो दो, उनकी दो क्लासेस होती थी, ठीक है। तो ग्रीक सॉन्ग होते थे सबसे पहले, और उनके दो क्लास होते थे ग्रीक सॉन्ग के। एक को हम कहते थे मैलिक सॉन्ग, मैलिक, और इसी सॉन्ग का दूसरा नाम हम रखते थे मैलिक और लिरिक सॉन्ग। और इसकी खास बात यह होती थी कि ये सिंग किया जाता था, संग बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है, और प्लस इसके साथ एकॉम्पनी होता था, एकॉम्पनी होता था म्यूजिक ऑफ लायर। लायर नाम का इंस्ट्रूमेंट तुमने देखा होगा, LYRE। तो पहली क्लास ग्रीक सॉन्ग की थी, जिसको मैलिक सॉन्ग कहते थे या लिरिक सॉन्ग। इसमें एक आदमी सिंगल पर्सन होता था गाने वाला, और उसको एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है गाया जाता था, वो इंस्ट्रूमेंट जो है लिरिक, सॉरी लायर होता था, ठीक है। और दूसरा क्लास होता है ग्रीक सॉन्ग का, जिसे हम कहते हैं कोरिक सॉन्ग, COH, कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग का बात ये होता था कि इसमें कलेक्टिव सिंगिंग होती थी। तुमने कोरस सुना होगा, कोरस सुना है कभी? यस सर। तो इसमें कलेक्टिव सिंगिंग होती थी एक साथ, और इसको भी एकॉम्पनीमेंट किया जाता था म्यूजिक के साथ, एकॉम्पनीड बाय म्यूजिक। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज भी जुड़ जाती थी कई बार, वो तीसरी चीज थी प्रोबेबली इसमें कई बार डांस भी जुड़ जाता था, ठीक है। तो ग्रीस में दो तरीके के गीत गाए जाते थे, जिसमें कई लोग गाते थे और अकेला गाते थे। तो आपने दो क्लास देख लिए, और दोनों की कुछ खूबियां होती थी। तो अगर हम कहें कि जो लिटरेचर के अंदर लिरिक नाम का जो जीव आया है, लिरिक नाम का जो नाम आया है, वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है जो इंग्लिश वर्स में लिरिक आई है, तो ग्रीक ओरिजिन में जो लिरिक आई है वो बेसिकली ये पहले इस पार्ट से आई है, जो हमने यहाँ पर मैलिक या लिरिक सॉन्ग है जो बोला है। तो ये पूरा एरिया जो हमने यहाँ लिखा है, ये रिस्पॉन्सिबल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर द लिरिक, जैसे हम कहते हैं उस लिरिक को लाने में। तो मैलिक, अब हम इस वाले हिस्से को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कोरिक सॉन्ग को, और इस पे जा रहे हैं कि जो मैलिक या लिरिक सॉन्ग होते थे, जिसको लायर के साथ एकॉम्पनी किया जाता था, और एक एक मात्र एक आदमी इसको गाता था, उसको लिरिक कहा जाता था, ठीक है। तो जब ग्रीस में इसका ओरिजिन हुआ, तो जब इसकी कोई खास बातें थी, तो ये अगर कोई आपसे कहे कि मुझे लिरिक समझा दो, तो सिर्फ दो पॉइंट में आप लिरिक समझा सकते हैं। पहली बात कि ये एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल इमोशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल इमोशन, फॉर एग्जाम्पल। तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग जो फिल्मों के गाने सुनते हो, उसमें कोई गाता है तो उसके साथ कंपोजिशन भी होता है म्यूजिक का, जानते हो, और तुम कहते हो लिरिक बहुत अच्छी है। तो ये बताओ, तुम कभी भी कोई कलेक्शन ढूंढते हो, तो लव सॉन्ग ढूंढते हो, सैड सॉन्ग ढूंढते हो, ठीक है, जनरली ये लोग ढूंढते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से, जैसा उनके मन में उमड़ घुमड़ रहा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि गजल्स ढूंढते हो। लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी आप ढूंढते हो, तो एक सिंगल इमोशन ही ढूंढते हो। आप रोमांटिक सॉन्ग लिखते हो, या लव सॉन्ग लिखते हो, या सैड सॉन्ग लिखते हो, कभी आपने ऐसा लिखा गूगल में ढूंढते वक्त या म्यूजिक में कि लव प्लस ट्रेजिक सॉन्ग या लव प्लस सैड सॉन्ग, ऐसा लिखा है क्या? या रोमांटिक प्लस सैड सॉन्ग, ऐसा ऐसा कभी नहीं लिखोगे। तो इसका मतलब
जो भी सॉन्ग होता है वो एक सिंगल इमोशन को लेके चलता है, या तो पूरा प्यार भरा गीत ही होगा, या फिर जब दिल ही टूट गया ही होगा, ठीक है, और या फिर अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का ही होगा। और वैसे इसमें कभी भी बेसिकली दो इमोशन मिक्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले लिरिक की चीज को समझो कि एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल इमोशन, ठीक है। और दूसरी चीज है कि लिरिक तब तक नहीं बनेगी, कभी तुमने ऐसी लिरिक भी सुनी है फिल्मों में जिसमें म्यूजिक नहीं होता? नो सर। तो बिना म्यूजिक के तो जो है लिरिक हो ही नहीं सकती। तो इट्स ए म्यूजिकल कंपोजिशन, अगर म्यूजिक इसको एकॉम्पनी नहीं करेगा तो ये लिरिक कभी नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से आप लिरिक को किसी को भी समझाने में अब आराम से अपने को कंफर्टेबल बना सकते हैं कि लिरिक इज ए सॉन्ग विच एक्सप्रेसेस ए सिंगल इमोशन एंड इज ऑलवेज एकॉम्पनीड बाय ए म्यूजिकल कंपोजिशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें कुछ गहरी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है और जल्दबाजी कुछ नहीं है, ना कोई एग्जाम आ रहा है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल गहराई से चीजों को बताना चाह रहा हूं। तो अगर आपकी बाय योर काइंड परमिशन, अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी बढ़ूं तो वो भी बढ़ सकता हूं। बोलो क्या कहते हो? नो सर, आराम से। आराम से अगर बताऊंगा तो कई चीजें आपकी ऐसी होंगी जो परमानेंट इंप्रेशन में बैठ जाएंगी और उससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा आगे, ठीक है। एक होता है लिटरेचर को केवल जान लेना, रट लेना, जान भर लेना, एक होता है लिटरेचर को अपने खून के अंदर समा लेना। तो मैं, मेरी कोशिश यह है कि तुम उस चीज को, टॉपिक को समझ जाओ पूरे तरीके से। तो थोड़ा मैं समझाऊंगा उसमें। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो बेसिकली जो लिरिक होती थी उसको या तो लायर के साथ परफॉर्म करते थे या हार्प के साथ। एक और चीज इसके साथ आती थी, हार्प के साथ भी परफॉर्म किया जाता था। हार्प, जब आपने कोई राजाओं की कोई फिल्में या वो देखी होगी तो देखा होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें चार पांच तार होती हैं और इसको एक कोई लड़की बैठ के छेड़ती रहती है तारों को और एक ही सी आवाज देता है हार्प। देखा है तुमने? एक ही आवाज आती है। तो इनके साथ बजाया जाता था। और सॉन्ग की लैंग्वेज बहुत पॉलिश्ड नहीं होती थी, बड़ा रिफाइंड सॉन्ग नहीं होता था। और जो सिंगर था वो इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाते चलता था अपने गाने को। और जो सब्जेक्ट मैटर होता था लिरिक का, वो बड़ा कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं होता था, ठीक है। और बेसिकली इमोशनल सॉन्ग होता था। बाद में लोगों ने लिरिक के अंदर राइम और म्यूजिक की पॉसिबिलिटीज को ढूंढना शुरू किया, ठीक है। तो जो म्यूजिकल क्वालिटी थी लिरिक की, ठीक है, वो बेसिकली लिरिक के अंदर पहले ग्रीस के जमाने में या उस जमाने में नहीं आई थी बहुत बढ़िया। इस पूरी रिदम और म्यूजिकल क्वालिटीज को जो ढूंढने का काम किया है पर्टिकुलरली, ठीक है, जो मास्टर बने इनके वो थे एलिजाबेथन स्लो। तो ये तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जो लिरिक थी उसमें सबसे ज्यादा जो सेंस लाए म्यूजिक का, सबसे ज्यादा जो मिठास लेके आए, म्यूजिकल हाईएस्ट म्यूजिकल क्वालिटी जो लेके आए, वो लेके आए एलिजाबेथन्स। तो हम यहां पर एक पॉइंट नोट करेंगे, एलिजाबेथन्स शेक्सपियर की एज में, ठीक है, एलिजाबेथन्स एक्चुअली इम्पार्टेड, ये कह सकते हैं हाईएस्ट म्यूजिकल क्वालिटी, म्यूजिकल क्वालिटी टू लिरिक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें अगर दूं मैं तो तुम्हें फेरी क्वीन याद है स्पेंसर की? यस सर। फेरी क्वीन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त लिरिकल म्यूजिक वाली पोयम है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये म्यूजिक का मतलब क्या क्या होगा इन्होंने? क्या खूब सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिए होंगे सॉन्ग के साथ? क्या कर दिया होगा एलिजाबेथन्स ने ऐसा कि ये बड़ा म्यूजिकल हो गई? रिदम राइम कुछ किया होगा। ओके, और लोग भी बोले
सर फीलिंग्स के साथ रिदम लाइन अच्छी लगती है सर. कपलेट ओके सर एलिटरेटिव. ओके वेरी गुड. सब लोग मैं चाहता हूं बोलें जिससे कि डिस्कशन खुल के आए. ठीक है तो होता क्या है जब भी मैं लिरिक के अंदर या किसी भी गाने के अंदर म्यूजिक की बात करूं ठीक है तो वो म्यूजिक हमेशा एक होता है जिसको हम वर्बल मेलोडी कहते हैं. और वर्बल मेलोडी का मतलब होता है वर्ल्ड म्यूजिक. और वर्ल्ड म्यूजिक का मतलब ही वही है जो आप कह रहे थे रिदम और राइम कि कैसे शब्दों को सजाया जाए जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो एक के बाद एक ऐसे अरेंज किए जाए वाउल एंड कंसोनेंट्स के कैसे कॉम्बिनेशन आर्टिस्टिकली अरेंज किए जाए कि वो बहुत ही म्यूजिकल सी लगे. ठीक है अब तुम्हें पता है कि म्यूजिकल बहुत अच्छा जो है रिदम देती है. और अगर आप कोई भी गाने को या कोई भी सॉन्ग पुराना सुनते हैं ये सॉन्ग को छोड़ दो सॉन्ग तो तुम्हें ट्यून दे रखी है आप केवल एक कविता ही ले लीजिए कोई पुरानी. ठीक है अगर वो कोई कविता आपकी जो है बोलने में बहुत अच्छी ट्यून है तो उसे आप गा भी सकते हो. और अगर वो कविता में वर्बल मेलोडी नहीं है तो आप उसे लाख गाना चाहो नहीं गा पाओगे. ठीक है तो ये जो वर्बल मेलोडी थी ये इम्पार्ट की उसे एलिजाबेथन्स ने जिससे म्यूजिक कह सकते हैं. और दूसरा नाम आता है लिरिक को क्लोजली डेवलप करने में ठीक है वो है रोमांटिक्स का नाम. तो देखो कितने बारीक चीजें निकलनी है. पहले एलिजाबेथन्स का नाम आता है और दूसरे लोग जो है रोमांटिक्स. और रोमांटिक्स में जो रोमांटिक एज में थे वो है जॉन कीट्स ये तो थाई सेंसलेस पोएट शैली टेनिसन ये है विक्टोरियन टेनिसन और स्विनबर्न. स्विनबर्न भी आपका विक्टोरियन ये विक्टोरियन है और वो रोमांटिक्स. इन लोगों ने भी लिरिक को बहुत अच्छा काम किया है. और टेनिसन तो जो है बहुत ही बढ़िया माना जाता था वर्ल्ड म्यूजिक के लिए वाउल जो है वर्बल मेलोडी के लिए. ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि शुरू से चलते हुए लिरिक कैसे ये पहुंची और किनके हाथों में लिरिक सबसे ज्यादा फेमस हुई. अब मैं लिरिक के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जिसको मैं बड़े शब्दों में लिख रहा हूं. लिरिक इज द पैरेंट फॉर्म ऑफ ऑल द सॉन्ग्स. पैरेंट फॉर्म. पैरेंट फॉर्म मतलब लिरिक ही फादर मदर है हर सॉन्ग की. ओड हो बैलड हो एलेजी हो इन सब के फादर मदर लिरिक है. तो कोई भी ओड है तो वो ओड भले ही अपने पैराग्राफ स्टेंजाइक पैटर्न के कारण हो लेकिन पहले वो लिरिक है. तो ओड इज ऑल्सो ए लिरिक. ठीक है बैलड इज ऑल्सो लिरिक. एलेजी इज ऑल्सो ए लिरिक. यानी जहां शब्द और शब्द में म्यूजिक वहां लिरिक. तो लिरिक एक पैरेंट फॉर्म है. सारी बाकी फॉर्म लिरिक के अंदर ही आती है ये आप ध्यान रखना बिल्कुल. ठीक है ये पैरेंट फॉर्म है ये किसी से अलग नहीं है सब इसके अंडर है. अब आते हैं जब लिरिक कोई बनती है तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है उसको किस सब्जेक्ट में लिखा जाता है. ठीक है तो सब्जेक्ट मैटर में जब हम लिरिक के आते हैं ये किन विषयों पर लिखी जाती है तो लिरिक हमेशा एक सिंगल इमोशन या फीलिंग देती है. ठीक है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लिरिक अपील्स टू हार्ट मोर देन इंटेलेक्ट. इसका मतलब लिरिक जो है एक इमोशनल पोयम है दिल वाली पोयम है दिमाग वाली पोयम नहीं है. इसीलिए जितने भी आपके जो गाने होते हैं वो दिल वाले गाने होते हैं. अगर दिमाग वाले गाने होते हैं तो तुम सुनना ही पसंद नहीं करोगे. ठीक है अब तो दिल वाले गाने तो तुम गाते हो और उनको जो है फीलिंग लेते हो. और ये अपील हमेशा हार्ट को करती है और इंटेलेक्ट को नहीं. ठीक है और जनरली ये एक और चीज है कि गाने अगर बहुत लंबे होंगे तो वो बिल्कुल भी ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे बोरिंग लगने लग जाएगा. तो लिरिक जो है वो लेंथी नहीं होती है शॉर्ट होती है. और इसको कह सकते हैं इट इज नॉट लेंथी
ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो लिरिक में सबसे बड़ी बात यह होती है कि लिरिक एक हमेशा सब्जेक्टिव पोयम होगी। कल ही मैंने बताया था सब्जेक्टिव का मतलब जो इमोशनल होगी। तो इसका सब्जेक्ट मैटर हमेशा इमोशनल होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ये इंटेंशनली पर्सनल पोयम होंगी। जब अपनी सब्जेक्टिव होगी तो अपने आप पर्सनल होगी। तो यही कुछ इसका सब्जेक्ट मैटर होता है और कुछ नहीं। ये बेसिकली हार्ट वाला सब्जेक्ट मैटर होता है, लेंथी नहीं होता और पोयम पूरी पर्सनल टच ली हुई होती है। अब हम आते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो स्ट्रक्चर के लिए हम आएंगे कि लिरिक को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो थ्री पार्ट क्या होते हैं, वो बेसिकली एक ही इमोशन से तीन मूड जो इंस्पायर होते हैं उस पे होता है। तो पहला जो पार्ट होता है लिरिक का, जब हम लिरिक लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, उस पार्ट को कहते हैं इट स्टेट्स द इमोशंस। ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है, ये बनता है किससे, थॉट्स से, कंसिस्ट ऑफ द थॉट्स सजेस्टेड बाय द इमोशन। और तीसरा जो होता है पार्ट वो होता है पोएट्स रिटर्न टू हिज इनिशियल मूड ठीक है समटाइम्स द मूड ऑफ रीजन और फिलोसॉफिकल और फिलोसॉफी। ये तीन हिस्से लिरिक के चलते हैं बेसिकली, ठीक है। कैसे चलते हैं बता देता हूं कि सबसे पहले जब पोएट लिखना शुरू करता है तो शुरुआती इमोशंस आपको पता लग जाते हैं कि ये कैसा इमोशन है, प्यार का है, दुख का है, शोक का है, ये सब इमोशन आपको पता लग जाते हैं। और जब वो आगे बढ़ता है तो जिस इमोशन से उसने शुरुआत की होती है आगे का हिस्सा पूरा उसी इमोशन को बताता है। तो अब आप इसके स्ट्रक्चर को समझे तो ये एक छोटा हिस्सा होता है जो किसी शुरुआत को करता है, और जो ये दूसरा वाला हिस्सा है यही लिरिक की सबसे बड़ी बॉडी होती है, इसमें सबसे बड़ा पोर्शन आता है और इसमें इसी इमोशन को एक्सपेंड किया गया होता है, ठीक है। जो ये थॉट जो इमोशंस आपके सामने ला रहा है वो किया गया है। और तीसरा हिस्सा जो है वो पोएट्री को कंक्लूड करता है, और जब ये कंक्लूड करता है ये इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन एक कंसिडरेबल लेंथ का होता है, और इसमें कई बार या तो कंक्लूजन आ जाता है, पोएट किसी चीज को सोच के इसे कंक्लूड कर देता है, या कभी कभी कोई बहुत फिलोसॉफिकल बात भी कर देता है। अब आप फिल्मी गाने को मत सोचिएगा क्योंकि हम इंग्लिश लिरिक की बात कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल था। तो कोई भी लिरिक लिखी जाएगी उसमें पहले एक इनिशियल मूड होगा, फिर उस मूड को एक्सपेंड किया जाएगा और लास्ट में उस मूड को क्लोजिंग देगा पोएट, या तो फिर उसको मॉरल बना देगा या डाइडेक्टिक यानी टीचिंग करने वाला या फिलोसॉफिकल भी बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये स्ट्रक्चर बेसिकली चलता है जो लिरिक का हमेशा चलता है। बोलो इसमें कोई ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन हो, ठीक है। नो सर। अब आते हैं कि इन तीनों पार्ट्स में हमने ये देख लिया कि लिरिक किस तरीके से चलती है। तो जब भी कोई लिरिक आए तो आप ये समझ लेना कि उसकी जो शुरुआती लाइन में इमोशन होंगी बाकी बात उसी की होगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक बहुत फेमस पोयम है, ठीक है, कोई बताना कि ये किसकी लिरिक है। टू ब्लॉसम्स है ये,
ये लगभग कैरोलिन एज के पोएट की है। हेरिक, हेरिक सुना है? रॉबर्ट हेरिक नहीं सुना, पोएट सुना है। ठीक है, रॉबर्ट हेरिक के टू ब्लॉसम एक लिरिक है। मैं इसका स्टार्टिंग बता रहा हूं, आप मुझे इमोशन बताना। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, फेयर प्लेजेस ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, फ्रूटफुल ट्री कॉमा, व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट। कुछ अंदाज आ रहा है इससे? बस शुरुआती इमोशन ये है, इसकी दो लाइन, ये शुरुआती स्ट्रक्चर है। द फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट। तो ये आपको ये तो पता चल गया होगा इस पोयम का मूड क्या है, ठीक है। तो बताओ ये पोयम का मूड क्या है, कोई रोमांटिक मूड है या फिर कुछ डिसअपॉइंटिंग सा है या फिर कुछ और है? डिसअपॉइंटिंग है सर। ठीक है, ये बेसिकली ये एक पेड़ से पूछना चाह रहा है कि तुम जो इतने फ्रूटफुल होते हो, इतने बढ़िया होते हो, इतने शानदार होते हो, इतनी जल्दी तुम्हारे फ्रूट्स, पत्तियां ये सब क्यों गिर जाती है, तुम इतनी जल्दी मुरझा क्यों जाते हो। तो बेसिकली एक ऐसा इमोशन है जिसमें दर्द है, जिसमें सैडनेस है, ठीक है। तो अब ये इनिशियल इमोशन मुझे पता चल गया, तो आगे अब पूरी बात उसी की होगी जिसमें सारे दर्द और उनकी जो बिछड़ने वाली और ये सब सारे इमोशंस की बातें होंगी, ठीक है। और यही होता है, और लास्ट में जब ये पोयम को क्लोज करता है तो वो ये बता देता है कि जो भी ऐसा करते हैं, ठीक है, वो एक बेसिकली एक मैसेज भी छोड़ते हैं, या इस चीज समय मैसेज भी मिलता है कि हम जो है चाहे कैसी भी चीज में गर्व करें या कितने ही तरीके से चीजों को जिए या कितने ही ऐशो आराम में रहें, लेकिन जो एंड होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, किसी ग्रेव में जाके ही होता है, या हमें किस अपने इस पूरे यूथफुलनेस को कभी ना कभी त्यागना होता है। तो बेसिकली फिर लास्ट में फिलोसॉफिकल होने लगती है। तो इसी तरीके से सारी लिरिक्स चलती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया लिरिक का पूरा हिस्सा? ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हमारे पास ये लिरिक भी आ गई, सब चीजें आ गई, तो अब हमें ये लिख लेना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे फेमस लिरिक्स हैं वो कौन सी हैं और उनके राइटर कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर सम फेमस लिरिक, तो लिरिक में आपकी जो सबसे ज्यादा फेमस हैं उनमें से आपको बता रहा हूं, एक आ जाती है जो अभी मैंने बताया, ये ब्लॉसम्स हेरिक की, ये भी बहुत फेमस है, एक तो वो लिख लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ सेलेक्टेड लिखाना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं, इसलिए मैं एक लिखिए आप जो आपकी आई हुई है कीट्स की, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि कीट्स की जो पोयम है वो बेसिकली लिरिक की फॉर्म के अंदर आती है, तो जितनी भी ओड्स हैं कीट्स की वो बेसिकली लिरिक में भी मानी जाएंगी, ठीक है, वो बड़ी म्यूजिकल है, वो भी आती है। टेनिसन की लिख लो,
ठीक है। टेनिसन की कुछ पोयम्स हैं, आप कह सकते हैं कि इन मेमोरियम सुना है तुमने? यस सर। ये एलर्जी भी है बेसिकली। यस सर। ये बहुत अच्छे लिरिक्स में भी आ सकती है, ठीक है। और जो एलर्जी है, तुम कभी ये कंफ्यूज मत होना कि वो लिरिक नहीं है, बल्कि जहां म्यूजिकल क्वालिटी है वो लिरिक है, ठीक है। ऐसी एक इसकी लिरिक है, बैलेड्स एंड अदर पोयम, टेनिसन की वो भी एक अच्छी लिरिक है, बैलेड्स एंड अदर पोयम। और इसके अलावा सर वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम एलिजाबेथन एज और इसमें से उठा सकते हैं बहुत सारी, फेरी क्वीन मैंने बताई दी है स्पेंसर की, फेरी क्वीन स्पेंसर। और इसके अलावा अभी जो हमने हैरिक की बताई थी ब्लॉसम, वो भी है। तो कई एक ऐसी लिरिक हैं जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये हम कहीं से भी ले सकते हैं इंटरनेट वगैरह से कि कौन फेमस लिरिक राइटर थे। अब बेसिकली हम दूसरे टॉपिक में घुसना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है जो है दूसरी फॉर्म पोएट्री की, जिसे हम कहते हैं ओड। ओड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म और इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। तो अब दूसरी फॉर्म में घुसते हैं, द ओड। बड़ा इंटरेस्टिंग है ओड का जो हिस्ट्री है, और बहुत लोगों को इसमें कई कंफ्यूजन भी रहते हैं, वो दूर हो जाएंगे। फिर से मैं बता दूं, ओड इज ए फॉर्म ऑफ लिरिक, पेरेंट फॉर्म इसकी लिरिक ही है, ठीक है। ओड का भी जो ओरिजिन है वो ग्रीक है, ठीक है। अब ओड को जैसे ही कोई कहे कि डिफाइन करो, तो आप सीधे सीधे समझ लेना, ओड इज ए सीरियस, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। इसमें डिग्निटी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज यह है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम्स, ज्यादातर राइम में ही होगी हमेशा। और तीसरी चीज, लॉन्गर देन लिरिक होगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, संबोधन करते हुए होगी किसी को, इट इज इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, किसी को संबोधित करेगी जरूर, ठीक है। और कभी कभी ओड को एक और तरीके के लिए भी यूज किया जाता है कि पब्लिकली किसी चीज को याद करने के लिए, या किसी चीज की यादगार या स्मृति में कुछ कहा भी ओड लिखी जाती है, किसी महापुरुष को याद करते हुए, किसी घटना को याद करते हुए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा, समटाइम्स होता है, हर समय नहीं, समटाइम यूज्ड टू कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब है कि आप किसी चीज को याद करने के लिए, कोमेमोरेट एन इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन, ठीक है। तो अब इसको जरा और गहराई से देखते हैं कि इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। जब भी हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे,
तो ये गंभीर सब्जेक्ट मैटर होगा और ये डिग्निफाइड होगा, इसमें आप मजाक या कहीं पर भी इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या करेगा, सबसे पहली बात, अगर किसी चीज को गंभीर बनाना हो लिटरेचर के अंदर, ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो किसी चीज को गंभीर बनाएगी? बताओ। कंटेंट सर, फॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज नंबर एक। पहले आप ही की बात को सुन लेता हूं, फॉर्मल लैंग्वेज। दूसरी, देखिए कोई भी चीज गंभीर बनाओगे कहीं लिटरेचर के अंदर, यस किसी की आवाज आ रही थी सर, जो उसका सब्जेक्ट मैटर होगा वो कुछ सीरियस होगा, जैसे अगर हम बात करें कि, हाँ हाँ बोलो, सही जा रही हो, तो सबसे पहले छोटी मोटी बात के ऊपर में लिखेंगे। बिल्कुल, सब्जेक्ट मैटर बहुत गंभीर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सीरियस होना चाहिए, और सीरियस का मतलब है कि इसका जो थीम होना चाहिए, ठीक है, जो थीम होना चाहिए इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत डिग्निफाइड और हाइट वाला होना चाहिए, ठीक है, उसको हम ट्रिवियल तरीके से न लें कि वो बहुत छोटा मोटा कोई थीम हो। तो उसका जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, एक तरीके से कह लो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, वो एक हाई सब्जेक्ट होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अगर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट चुनी, ठीक है, और उसने एक पूरी क्रिश्चियन रिलीजन को बेस बनाया, एडम और ईव से लेके कहां तक ले गया उस चीज को, सेटन के फॉल से, तो आपके हिसाब से सब्जेक्ट का जो चॉइस है ये सीरियस और डिग्निफाइड है या बहुत ट्रिवियल है? सीरियस और डिग्निफाइड है 100%। अरे मैं तुमसे कहूं आज तुम शिवजी के बारे में कुछ लिख दो, ठीक है, क्या तुम बिना सोचे समझे लिख दोगे? नो सर, कल ही पथराव हो जाएगा तुम्हारे घर में और कितने जो है महासंघ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तलवारें लेके अगर कुछ जरा सी भी मिस्टेक कर दी लिखने में या बोलने में। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। नहीं देखो डिफरेंस है, देखो सोफिस्टिकेटेड और सीरियस सब्जेक्ट मैटर में बहुत डिफरेंस है। सोफिस्टिकेटेड और सीरियस मैटर के लिए आप पहले दोनों वर्ड को समझो, व्हाट डू यू मीन बाय सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन में आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, ठीक है, सोफिस्टिकेशन जब भी होता है उसमें आर्टिफिशियल चीजें हो जाती है। जैसे सोफिस्टिकेशन क्या है, मैं आपको आपके सिंपल टर्म में समझाता हूं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी, ठीक है, ओके, तो वो कहेगा नहीं नहीं बस थैंक यू, तो दूसरा बोलेगा नहीं थोड़ा तो लीजिए पहली बार आए, अच्छा चलिए कॉफी चल जाएगी, ठीक है, तो ये जो है ये फिर वो जब कॉफी सामने आ जाएगी फिर लाख तरीके के सोफिस्टिकेशन और होंगे कि आपने कुछ लिया नहीं, आप ये नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, वो मना भी करेगा लेगा भी, ये सब सोफिस्टिकेशन है, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप घर से बाहर इस तब तक नहीं निकल रहे जब तक आप डीओ या सेंट यूज ना कर लें, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसे जो है जब तक आपके हाथ में एक रुमाल ना हो, कुछ टिश्यू पेपर ना हो, ठीक है, इस तरीके से आपकी जिंदगी चल रही है और उसके बिना आप कहीं निकलते नहीं, तो ये बेसिकली दिस इज आर्टिफिशियलिटी, ये है सोफिस्टिकेशन। लेकिन व्हेन आई टॉक ऑफ सीरियस थिंग और डिग्निफाइड थिंग, इट टेक्स टूवर्ड्स अनदर हाइट, ये बिल्कुल अलग हाइट की ओर ले जाता है। जैसे मैं अगर कहूं कि मैं लिखने वाला हूं इस समाज के जो है कास्टिज्म के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, तो गजब का गंभीर मसला है, कहीं पर भी इसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियलिटी नहीं है इसमें, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो
तो आर्टिफिशियलिटी अगर सोफिस्टिकेशन आ गया तो ये सीरियस की जगह मॉक बन जाएगी, मॉकरी वाली, या मॉक एपिक बन सकती है, जैसे रेप ऑफ द लॉक पोप का, वहां सोफिस्टिकेशन है मैनर्स का, ठीक है। इसलिए थोड़ी चीजें क्लियर कट रखो, तो ये गंभीर ही रहेगा, और जब गंभीर होगा मामला तो दूसरी चीज जो इसको बनाएगी सब्जेक्ट मैटर को गंभीर, वो होगी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं।